को ट्रायल में ओमिक्रॉन के खिलाफ ज्यादा प्रभावी बताया गया है। 41 लोगों पर यह अध्ययन किया गया जिन्हें इस वैक्सीन की तीसरी खुराक दी गई थी। और चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोकथाम लगाने के लिए पश्चिमी शहर शियान में लॉकडाउन लगा दिया गया है। स्थानीय मीडिया ने बताया है कि शियान में संक्रमण को अन्य क्षेत्रों में बढ़ने से रोकने के लिए शहर में गुरुवार को सभी घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गईं। चीन ने शियान के लोगों से कहा था कि वे अपने घरों में ही रहें और कोरोना के नियमों का पालन करें। चीन के अधिकारियों ने कोरोना से प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी सभाओं पर रोक लगाने की अपील की है। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। यूरोपियन देश मोंटेग्रो में हुई स्कीइंग की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मनाली की आंचल ठाकुर ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने अल्पाइन में भारत के लिए कांस्य पदक जीता और इससे पहले उन्होंने 2018 में भी टर्की में हुई स्कीइंग की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। वो देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने स्कीइंग में भारत के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक जीते हैं। आज दिल्ली कैंट में स्थित केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 में सांसद 11 वर्सेस केवीएस 11 के बीच फ्रेंडली क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है और भारत सरकार में हैवी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री महेंद्रनाथ पांडे इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस मुकाबले में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उन्होंने हिस्सा वो ले रहे हैं और इस अवसर पर खेल मंत्री ने यह कहा कि इस तरह के आयोजन से फिट इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारियों के बीच में जो आज मैच का आयोजन किया है ये फिट इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए है ताकि युवा खेलों में भाग लें, मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहें और फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़ इसी मूल मंत्र के साथ अगर हम आगे चलेंगे तो निश्चित तौर पर देश में युवा हो, महिला हो, जवान हो या कोई भी हो वो स्वस्थ रह सकते हैं। ज़रूरत है फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज़ कुछ भी खेलें, व्यायाम करें, योगा करें, लेकिन अपने आप को फिट रखें। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही खेलो इंडिया की प्रशंसा की। उनका कहना था कि खेलो इंडिया जैसी प्रतियोगिताओं से युवा खिलाड़ियों को अपना कौशल दिखाने का मौका मिला है जिससे वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। खेलो इंडिया गेम्स के माध्यम से हमने खेलों को बढ़ावा दिया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो, हजारों खिलाड़ी उसमें भाग लेते हैं। टॉप स्कीम्स के माध्यम से एलीट खिलाड़ियों को देश और विदेश में ट्रेनिंग देने का काम करते हैं, लेकिन जन भागीदारी हो और खेलों में भाग लेने के बाद जन आंदोलन भी बने तो जन भागीदारी से जन आंदोलन की ओर ऐसे ही कार्यक्रमों के आयोजन से किया जा सकता है। हरनूर सिंह के शतक और गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारत ने बृहस्पतिवार को अंडर 19 एशिया कप के पहले मैच में संयुक्त अरब अमीरात को 194 रनों से हरा दिया 154 रनों से हरा दिया। दुबई में खेले गए इस मैच में पहले बल्लेबाजी के लिए भेजी गई भारतीय टीम